उधर सीकर में खाटू श्याम बाबा का मेला पूरे परवान पर है। यहां पर देश भर से श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। यहां हर रोज भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अशोक शेखावत जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, किस तरीके से तमाम श्रद्धालुओं के बीच जो है बाबा के दर्शन करने के लिए उत्साह नजर आ रहा है, आज की जो तस्वीरें बताइए। देखिए सुमित, अभी मेला जो है पूरे परवान पर है। एकादशी का विशेष महत्व होता है खाटू श्याम बाबा के लक्खी मेले में, और आज एकादशी है। एकादशी में करीबन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि 2 बजे के लगभग जो है बरसात शुरू हो गई थी, जिसके चलते काफ़ी असुविधा भक्तों को श्रद्धालुओं को करनी पड़ी, लेकिन जो खाटू श्याम बाबा के प्रति लोगों की आस्था थी उसको मद्देनजर देखते हुए यही लगता था कि जबरदस्त उत्साह जो है बाबा श्याम के प्रति था। ओले और बरसात को दरकिनार करते हुए नज़रअंदाज करते हुए वो श्याम भक्त जो है वो वहाँ पहुँच गए थे बाबा श्याम के। हमारे साथ जिला कलेक्टर हैं यज्ञ मित्र सिंह, पूरी कमान संभाले हुए। जिस तरीके के श्रद्धालुओं को इस बार सुलभ तरीके से सुविधा मिल पाई, सर क्या क्या व्यवस्थाएँ आपने देखी, अभी क्या हुआ गया? बिल्कुल बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, शांतिपूर्ण सबको दर्शन हो रहे हैं। आप मेला परिसर के मुख्य परिसर में खड़े हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। कल भी और आज भी माकूल व्यवस्थाएं हैं, हर चीज़ को कोशिश की गई है कि यात्री आराम से सुख सुविधापूर्ण तरीके से बढ़िया बाबा के दर्शन कर सकें। ये कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंह थे जो पूरी कमान सावे ले थे, और बाकायदा हर भक्त ने हमें ये कहा है कि इस बार जो व्यवस्था की गई थी आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि जिस सुलभ तरीके से आसानी से भक्तों को जो बाबा श्याम के दर्शन हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जो इस बार श्याम भक्तों को दर्शन के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसकी सब लोगों ने तारीफ की है, जमकर तारीफ की है। फिलहाल अगर बात करें तो श्याम भक्तों का जत्थे जो है वो हर तरफ देखे जा सकते हैं, और पूरी खाटू श्याम नगरी पूरे श्याम के में रम चुकी है, और हर कोई बाबा श्याम के दरबार में अपने अरदास लगाकर मनोतियां मांग रहा है। जी सुमित, अशोक ये बताइए, क्योंकि लगातार हमने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी देखी किस तरीके से की गई थी, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, तो लोगों को सुविधा का किस तरीके से खासतौर पर ख्याल रखा गया, क्योंकि जाहिर एकादशी के दिन भीड़ जो है वो काफी बढ़ने वाली थी, और नजारे भी आज हमने देखे जो जत्थे के जत्थे जो है पहुंचे हैं। बिल्कुल, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, पर जिला प्रशासन ने जो इस बार व्यवस्था यह की थी कि जो पूरे रास्ते जो जिसमें से लोग बाग बीच में घुस जाया करते थे उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, जिसके चलते कहीं भी अव्यवस्था का सामना जो है श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ा। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से रिलैक्स रहा, क्योंकि जो सारे रास्ते थे उसको एक ही तरफ से डाइवर्ट किया गया था। कोई भी श्याम भक्त अगर श्याम मंदिर तक पहुँचता है तो वो वहाँ तक पहुँचेगा तभी जब वो दूसरे से रास्ते से कहीं से भी नहीं पहुंच पाएगा। इन तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम जो है वो हमारे दिया या मंदिर कमेटी के प्रताप सिंह चौहान हमारे साथ है। सर, श्याम भक्तों को बहुत बेहतर तरीके से सुलभ हो रहे हैं दर्शन, और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं? बाबा की एकादशी है, बाबा सभी श्याम प्रेमियों की मनोकामना पूर्ण करें, और श्याम भक्तों को अच्छे से अच्छे दर्शन जिला प्रशासन श्याम मंदिर कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। बाबा कल क्या शेड्यूल और रहेगा सर? कल द्वादशी है, कल रात से 12 बजे द्वादशी है, यात्री दोग लगा के वापस अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। तो कल द्वादशी है, और द्वादशी के दिन जो है सूरजगढ़ का निशान अर्पण करने के बाद में मेले का विधिवत रूप से समापन कर दिया जाएगा। जी सुमित, अशोक क्योंकि भक्तों में काफी इंतजार रहता है इस मेले को लेकर, हर साल जो है बड़ी संख्या में जो है भक्त पहुंचते हैं, किस तरीके से अपनी मनौती जो है भक्त मांगते हैं, और इस बार क्योंकि एक डर का साया भी तमाम लोगों के बीच में देखने को मिला, हमने कल भी देखा कि खासतौर पर कोशिश की गई कि अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उसकी भी स्क्रीनिंग की जाए, तो क्या ऐसा कोई डर अभी तमाम श्रद्धालुओं के बीच में, या उसको लेकर भी पूरी तरीके से आश्वस्त है प्रशासन? देखिए, श्याम भक्तों को किसी तरीके का कोरोना जैसे वायरस का, किसी भी बीमारी का कोई खौफ हमें देखने को नहीं मिला। ये जरूर था कि 130 जो यहाँ पे श्रद्धालु आए थे नेपाल काठमांडू से, उनको प्रशासन को सूचना मिल गई थी, उसके बाद में यहाँ पे जो तो मेडिकल टीम थी उसको अलर्ट कर दिया गया था, प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था। 130 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। श्याम भक्तों में जिस तरीके की जो व्यवस्था थी, किस तरीके की व्यवस्था, यानी कि जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और लोगों के बीच में जिस तरीके की एडवाइस
एडवाइजरीज जारी की जा रही है, कम से कम उनका फिलहाल डर नहीं है। और यही प्रशासन की तरफ से कहा भी गया था कि किसी तरीके के पैनिक की सिचुएशंस जो हैं वो नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए।